आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। समाज सेवी राजकमल भगत ने मनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। जी हाँ, समाज सेवी राजकमल भगत उर्फ टिंकू ने 11 फरवरी गुरुवार की देर संध्या हाटपाड़ा बड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में अपने सहयोगी युवा साथियों की मौजूदगी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित की। कार्यक्रम का मंच संचालन अभा विप नगर मंत्री दानीनाथ महतो ने किया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी राजकमल भगत ने उपस्थित युवाओं के बीच इनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। समर्पण दिवस पर मनाई जा रही है। पहले हम लोग महापुरुषों की जयंती या फिर उनकी स्मृति नॉर्मल तरीके से मनाते हैं। एक नया मापदंड तय हुआ है कि हम लोग उनकी स्मृति की ऐसे महापुरुषों की स्मृति समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग अपनी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं कि इन्होंने देश के प्रति देश के लिए अपना समर्पण अपना जीवन दिया है। साथियों, आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 3 वर्ष से भी कम की आयु में उनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय छोड़कर दुनिया छोड़कर चले गए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। रामगढ़ जिला मुख्यालय कोर्ट के समीप फलदार फूल के लिए एक नर्सरी का उद्घाटन झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक ममता देवी ने फीता काट कर किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष लगाना सबसे जरूरी है। धरती पुत्र होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके, साथ ही मानव जाति इसका अधिकाधिक लाभ उठा सके। हमें पर्यावरण व मानव जाति की रक्षा करनी है तो हर हाल में पेड़ लगाना होगा। उसे अपने बच्चे की तरह देखभाल कर उसकी रक्षा करनी होगी, तभी हम मानव पर्यावरण का हितैषी बन सकते हैं। उन्होंने इसके लिए आम लोगों से ज्यादा नर्सरी लगाने की अपील की। वहीं कहा कि इससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ जहां समाज को लाभ मिलेगा वहीं रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मौके पर क्रॉप राइटर जिला परिषद सदस्य दुष्यंत पटेल ने कहा, मानव जाति के लाभ के लिए ये केंद्र खोला गया है। यहाँ फलदार पेड़ से लेकर फूल व औषधीय वृक्ष उपलब्ध रहेंगे। आरपी भारत के लिए जयप्रकाश की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। सुबह ट्यूशन जा रही दो लड़कियों को चतरा में कुछ सिरपरहियाशों ने रास्ते में रोककर छेड़खानी की। लड़कियों के विरोध करने पर मंचलों द्वारा मारपीट और गाली गलौज भी की गई। लड़की ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए 4 लड़कों से अकेले ही लड़ रही थी। उसके बाद लड़की ने सोचा कि ये लड़के किसी और के साथ ऐसी हरकत ना करे, इसके लिए थाने में जाकर आवेदन दिया। उसके बाद चतरा पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने इसको संज्ञान में लेकर तुरंत SDPO अविनाश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाकर 24 घंटे के अंदर 5 अपराधी को चतरा पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को बताया, ये अपराधी अपने आप को टाइगर ग्रुप के नाम से लोगों को डरा धमकाकर लेवी वसूलने का भी काम किया करते थे। अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपराधी के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक कारतूस भी बरामद किया। गिरफ्तार 5 अपराधियों में एक अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है जो चतरा जिले के कई कांडों में वांछित था। आरपी भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। परसों दिनांक 11 फरवरी को शाम में दो लड़कियों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था सदर थाने, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 5 लड़कों के द्वारा इनके साथ छेड़खानी और मारपीट की घटना की गई थी। इसमें तुरंत SDPO चतरा के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और 30 घंटों के अंदर में जो सभी 5 नामजद अभियुक्त हैं इस कांड में, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से मुख्यतः जो मुख्य भूमिका रही है वो उत्तम यादव नामक एक व्यक्ति की है, जो सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा अमित यादव, गौतम सिंह, पिंटू यादव, रितेश कुमार, ये सभी लोग चतरा जिले के रहने वाले हैं और 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उत्तम यादव जो पहले से भी कई कांडों में वांछित रहा है, इसके अगेंस्ट पहले से 7 केस रजिस्टर्ड हैं चतरा जिले में विभिन्न थानों में,
आमसेट के भी केसेस, एनडीबीएस के भी केस है। तो इसके पास से एक देशी कट्टा भी बरामद किया गया है और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। और इसके एक टाइगर ग्रुप करके पहले सक्रिय था चतरा में, उसका भी एक सक्रिय सदस्य था। ये कई कांडों में अभी भी वांछित था, पहले भी जेल जा चुका है, तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही बाकी चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। घटना के पीछे जो अभी तक बात सामने आ रही है उसमें सभी लड़के लोकल ही रहने वाले थे और जो दो लड़कियां जा रही थी रास्ते में उनके साथ छेड़छाड़ की गई, मारपीट भी की गई, उसमें एक वीडियो भी सामने आया था जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। और बाकी उद्देश्य, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आएगी कि कब से इनका पीछा किया जा रहा था या नहीं, या ये प्री प्लान था या उस समय ऑन द स्पॉट ये घटना को अंजाम दिया गया, तो वो सब बातें हम अनुसंधान से। छात्रा है सर बालिग है, पर जहाँ तक हमें पता चला है दोनों छात्राएं बालिग हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का। चतरा जिले के सदर प्रखंड के स्थानीय ताइक्वांडो हेड क्लब में मुख्य अतिथि श्री दिव्यांशु झा आईएएस माननीय उपायुक्त महोदय उपस्थित हुए। उन्होंने खिलाड़ियों के बीच सफलता के मंत्र देते हुए अपने खेल जीवन के अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि धीरज प्रसाद ठाकुर, जिला स्थापना पदाधिकारी श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्राण महतो, जिला खेल पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष जमाल उद्दीन, सचिव विकास कुमार केसरी, संरक्षक मुकेश शाह, संघ के विशिष्ट सदस्य देवानंद कुमार, सजित मिश्रा के अलावा श्री नंदलाल केसरी, विश्व हिंदू परिषद प्रदीप कुमार प्रिंसिपल, शांति निकेतन मठ एंड मिशन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन करते हुए संघ के सचिव के निर्देशानुसार खिलाड़ियों द्वारा किक पंच, हवा में कलाबाजी, डेमो मैच, अन्य कई कर्तव्य दिखलाए गए। इस दौरान माननीय उपायुक्त महोदय का स्वागत फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए जमकर तारीफ की। इस दौरान कोविड 19 के मानकों का पूरा ध्यान रखा गया। खिलाड़ियों में हिलाल अख्तर, प्रत्युष कुमार, मीमांशा, मनीषा कुमारी एवं अन्य द्वारा प्रशंसनीय खेल कौशल, आत्मरक्षा के कई तकनीक दिखलाए गए। कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त महोदय, जिला खेल पदाधिकारी एवं अन्य अतिथियों को एक पौधा, एक माँ सरस्वती का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आरपी भारत चतरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का। दो दिवसीय नमामि गंगे योजना अंतर्गत जल जीव सुरक्षा रैली निकाल, लोगों को किया जागरूक। जी हां, नमामि गंगे परियोजना के तहत कम्युनिकेशन पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान उधवा प्रखंड अंतर्गत स्वामी विवेकानंद उच्च विद्यालय श्रीधर के समीप गंगा घाट में जागरूकता अभियान निकाल लोगों को जागरूक किया गया। अभियान में मुख्य रूप से जल जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के विषय पर लोगों के समक्ष विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए। स्वच्छता को लेकर शपथ ग्रहण के साथ स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस दौरान उधवा प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश एक्का के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक आशीष कुमार यादव, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी गगन बापू सहित दर्जनों लोग शामिल होते देखे गए। तालझारी से आनंद भगत के साथ तापोष गांगुली की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का। छपरा आई ग्लैम और रूबरू मिसेज इंडिया द्वारा आयोजित मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में मिसेज बिहार का चयन राजधानी पटना के पनाथ होटल में हुआ। खरबंदा रूबरू वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया, जिसमें राखी गुप्ता ने टॉप 25 प्रतिभागी को पीछे छोड़ते हुए टॉप मॉडल ऑफ बिहार का टाइटल अपने नाम कर लिया। बिहार के विभिन्न जिले से प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में पहुंची थी। कॉन्टेस्ट 3 राउंड में कराया गया। 3 राउंड में निर्णायक मंडल द्वारा मार्क्स दिए गए। श्री प्रकाश ऑर्नामेंट के मालिक वरुण प्रकाश, राजा की पत्नी राखी गुप्ता ने मिसेज बिहार के कॉन्टेस्ट में 3रा स्थान प्राप्त किया। मिसेज बिहार के टॉप 5 प्रतिभागी दिल्ली में होने वाले मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे। टॉप 5 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसको लेकर प्रतिभागियों की तैयारी में लगातार आईग्लैम द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। टॉप मॉडल ऑफ बिहार का टाइटल जीतने वाले राखी गुप्ता ने कहा, आईग्लैम द्वारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए इसकी शुक्रगुजार हूं। मिसेज बिहार में टाइटल जीतने के बाद मुझे हौसला मिला, मैं मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम करूं। मेरी सफलता में मेरे पति का सहयोग है। हौसला और आत्मविश्वास की बदौलत मैंने अब तक का सफर पूरा किया। छपरा सारण की मैं बहू हूं। मेरा सपना है मिसेज इंडिया का टाइटल जीतकर अपने शहर व जिले का नाम रोशन करूं। आरपी भारत के लिए मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। छपरा में जैसे रूबरू से बात किया, जो आईग्लैम है उनसे भी एक बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ मत कीजिए, छपरा के लेवल में हम स्पॉन्सर करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्लेटफॉर्म मेरा होगा, होटल भी मेरा होगा, सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है कैसे आप लोग बच्चों को लेते हैं करते हैं
छपरा में एक किड्स फैशन शो जो है लगभग 18 साल की बच्चियों का या अनमैरिड बच्चियों का, वो एक फैशन शो हम लोग कराना चाहते हैं और उनका जो एज लेवल होगा 7 साल से लेकर और लगभग आप मान के चलिए 18 साल की लड़कियों का कराने का हम लोग सोच रहे हैं। जिससे मुझे मिस्टर छपरा सुनते आए हमेशा घर में बाहर कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरी सफलता के पीछे एक मर्द का हाथ है और मैं इस चीज को बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो और कोई नहीं है। के रूप में मिशन बिहार पूरी गई है और क्या अगला टारगेट क्या है? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि अपने शहर अपने राज्य के लिए अब कुछ कर पा रही हूँ। मैं अब बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली जाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे खुशी। क्या संदेश देंगे महिलाओं को, घरेलू महिलाओं? जो घरेलू महिलाएं हैं मैं उन्हें बस इतना कहना चाहूंगी कि आप जहां हो जितने में हो उसी में आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हौसला होना चाहिए खुद में और मैंने भी हौसला रखा था। मैंने भी शुरुआत एक हाउस वाइफ से की, फिर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हुई, सोशल वर्कर हुई, जो भी किया मैंने 13 साल की अपनी मैरिड लाइफ में धीरे धीरे करके आज मैं यहाँ हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप शुरुआत तुरंत ही कर दो, टाइम लो लेकिन कुछ करो। सभी माइक्स पास कर सकते हैं एक दूसरे को, जवाब पीछे से बनाकर भेजी ही नहीं। इसी जज्बे के साथ आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरा नाम राखी गुप्ता, मेरी उम्र 39 इयर्स ओल्ड, मेरी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। छपरा शहर में हमारा एक NGO रन करता है जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारे शहर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और मैं इसी जज्बे को आगे लेकर चलूंगी हमेशा। I have been made by my parents, shaped by my husband, and the confidence I have today is just because of my kids. And today I'm here just because of iGlam, and I'm really thankful to iGlam and the full team for the confidence and the support they have given to us. Thank you. देखिए गर्व महसूस तो होता है, चाहे कोई जीते, पत्नी जीते, भाई जीते, चाहे कोई भी जीत जाए, परिवार का कोई जीतना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पत्नी है वो तो आधी ही होती है, घर वाली होती है और आधा पार्ट होती है क्योंकि जो भी हस्बैंड हो चाहे कोई हो जिसकी भी हो, तो पत्नी आधा पार्ट होती है तो समझिए जितना जीती है इनको खुशी तो कम होगी, इनको एहसास कम होगा, लेकिन हस्बैंड जो है अंदर से जरूर मुस्कुराता है और बिल्कुल खुशी तो होती ही है और खुशी बहुत है कि मतलब वैसे लोगों को जो महिलाओं को चार दीवारी में रखते हैं। देखिए ये बहुत बहुत ही गलत है और आज के डेट में जो अगर फेसबुक आप यूज करते हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और सारे जेंट्स को देखना चाहिए, जितने भी हस्बैंड्स हैं उनको देखना चाहिए कि भाई हमारे वाइफ में कला किस बात की है। आप बिजनेस करा सकते हैं, आप मॉडलिंग में उतार सकते हैं, अगर आपकी वाइफ में किसी भी तरह की एक्टिविटी है मतलब खेल से जुड़ी हुई है, घरेलू कामों से जुड़ी हुई है, बुनाव जुड़ी किसी भी काम में लेके, लेकिन उनको फ्री छोड़िए, किसी हालत में फ्री छोड़िए। खाना बनवा देना और खाना खिलवा देना ही जिंदगानी नहीं कराते, जिंदगानी का मतलब है कि उनकी भी एक जिंदगी है जो कि जीने देना चाहिए और हमें उस लेवल में जो है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आज देखिए उन्हीं का भी चीज है कि हम लोगों ने उन्होंने बोला हमारी परमिट, हमने बोल दिया कि ठीक है आपको जाना है जाइए, आज फिर बोलते हैं कि 15 दिनों के लिए इनको दिल्ली जाना है, हम पूरा बैक सपोर्ट है और लास्ट में हम बोलते हैं मैं हूं ना जो शब्द होता है मैं हमेशा इनके साथ हूं और हमेशा बढ़ाते रहूंगा और दिल्ली जाए और दिल्ली से हम कोशिश करेंगे कि दुबई में इनका शो हो, इंटरनेशनल शो में हम लोग को जाने का मौका मिले और इनकी वजह से हम दुबई भी घूम लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का। झारखंड प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन ने बुढ़ई पहाड़ समेत पहाड़ पर स्थित बुद्धेश्वरी मंदिर का जायजा लेते हुए पहाड़ को पर्यटन स्थल के लिए विकसित करने की बात कही। मंत्री ने कहा बुद्धेश्वरी मंदिर काफी प्रसिद्ध है, यहां प्रत्येक वर्ष नवान पर्व पर मेले का आयोजन होता है जिसमें काफी दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि यहां दोनों पहाड़ को जोड़ने के लिए झूला बनाया जाएगा, साथ ही पार्क का निर्माण, तालाब का सौंदर्यकरण किया जाएगा। कहा कि पहाड़ तक पहुंचने के लिए 30 सीसी सड़क का निर्माण के साथ यहां पहुंचने वाले पर्यटक के लिए समुचित व्यवस्था कर इसे पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।
मौके पर झारखंड राज्य के जीएम डॉक्टर आलोक प्रसाद, किशोर यादव, दिनेश सोनी, मनोज ठाकुर, अल्ताफ हुसैन समेत विभाग के कर्मी व ग्रामीण मौजूद थे। आरपी भारत के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। साहब हैं सारा, हम लोग यहाँ देखे हैं कि क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हम लोग सोचे हैं कि एक लक्ष्मण झूला यहाँ हम लोग बनाएंगे दो पहाड़ी को जोड़ने के लिए। ये तालाब का भी सौंदर्यीकरण करेंगे, पीसीसी बनाएंगे, पीसीसी रोड देंगे, यहाँ एक पार्क बनाएंगे और बैठने का 10 ठो पोटिको टाइप का यहाँ बनाएंगे। इसके पहले भी पर्यटन के द्वारा कुछ कार्य कराए गए हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय का इस बार ये है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्य कराया जाए। तो हम सर्वे कर रहे हैं और आप लोगों के द्वारा जो यहाँ की जनता के द्वारा जो कहा गया है कि ये काम होना चाहिए, उन कामों को हम लोग हमारे जो पदाधिकारी हैं वो नोट कर रहे हैं। इसका जाके हम लोग एस्टिमेट बनवाएंगे और देखेंगे उस पर कैसे। सर आपका शुभ नाम और पद? मेरा डॉक्टर आलोक प्रसाद, जनरल मैनेजर झारखंड। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दुमका इकाई ने जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन के समर्थन में आज दुमका शहर के नेहरू पार्क से फूलो झानो चौक तक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के लिए कांग्रेस की राज्य इकाई ने राजेंद्र दास एवं अवधेश कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने कहा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय किसानों के साथ मिलकर पदयात्रा निकाली है। अगर केंद्र सरकार इसके बाद भी किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती तो केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस पदयात्रा के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों पर कहा, जब तक केंद्र की सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार इस मुगालफत में न रहे, किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है। आज किसान आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है और जब तक कृषि कानून को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आरपी भारत के लिए विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। कारण है कि कांग्रेस में किसानों के प्रति जो दर्द है उसको उजागर करने का आज समय है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में किसान रोड पर है, हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। किसानों को हर जनता छोड़कर कांग्रेस के प्रति रॉयल बनना होगा और ये कानून को वापस लेना होगा, मेरा यही कहना है। दुमका कांग्रेस के पर्यवेक्षक इस कार्यक्रम के यात्रा के और यहाँ के जो भूमि का अभी प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है उसके पर्यवेक्षक। नाम? नाम सर राजेंद्र दास, देवघर जिला कांग्रेस कमेटी से, देवघर से हैं, दुमका के पर्यवेक्षक। आपके सामने में आ रही है उसमें अभी तक कांग्रेस जो रैली कर रही है या धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन किसान का जो मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? किसानों के समर्थन में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और आदरणीय श्यामल भैया जो जिला कांग्रेस कमेटी दुमका के अध्यक्ष हैं, इनके कुशल नेतृत्व में आज पूरे झारखंड में हम लोग पैदल मार्च किसानों के साथ कर रहे हैं। जिससे काला कानून बिल जब तक मोदी जी वापस नहीं ले लेते हैं तब तक इसी तरह हम लोग किसानों के समर्थन में कृषि काला कानून के विरोध में सड़क से संसद तक धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर नहीं मोदी जी पैदल मार्च से समझते हैं तो फिर हम लोग को दूसरा तरीका भी अपनाना होगा। यह आंदोलन उग्र हो जाएगा और पूरे देश में आंदोलन जोर शोर से चलेगा और मोदी जी को ईट से ईट बजाकर हम लोग रख देंगे जब तक यह कृषि काला कानून वापस नहीं लेगा। मैं अवधेश कुमार प्रजापति, अभी झारखंड प्रदेश ओबीसी महासचिव हूं और यहां का पर्यवेक्षक दुमका जिला कांग्रेस कमेटी का इस किसान आंदोलन। आज जो ये पदयात्रा है ये किस चीज का पदयात्रा है और क्या सरकार को मैसेज देंगे केंद्र सरकार? देखिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किसानों से जो आंदोलन कर रहे हैं आज पूरे देश में, यह एहसास कराने के लिए है केंद्र सरकार को, ये गंगी गूंगी बहरी सरकार को, कि आज जो किसान दिल्ली में आंदोलनरत है उन्हें लग रहा है ये देश में ये आग की ज्वाला फैल चुकी है। अब इसकी लपट से सरकार बचने वाली नहीं है। अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं होती है तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। आज पूरे राज्य में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी उपस्थिति, आज हमारे बीच हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है, इसीलिए किसान भी आज हमारे साथ मैदान पर एक कार्यकर्ता सर पर कफन बांध के खड़ा है।
कि मैं भी किसान हूं और किसानों का आंदोलन और किसानों की मांगें पूरी करनी होगी सरकार को, नहीं तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। जिले के सभी राशन कार्ड धारियों को आधार से लिंक किया जाएगा, खबर छपरा से है। इसे लेकर सदर अनुमंडल के लगभग सभी प्रखंडों की डीलरों के साथ एसडी अरुण कुमार सिंह ने बैठक की। बैठक में सभी को सरकार से प्राप्त हुए निर्देश से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया हर हाल में दिए गए निर्धारित समय से पहले सभी कार्डधारियों को आधार से लिंक कर लिया जाए। इसके लिए पीडीएस दुकानदार कार्डधारियों के घर घर जाएंगे, आधार से लिंक का काम पूरा करेंगे। सदर एसडीओ ने बताया सरकार का लक्ष्य है कि आधार कार्डधारी को अनाज व राशन मिले, ये कार्य उसी का एक भाग है। बैठक में सभी प्रखंडों के मार्केटिंग अफसरों ने भी अपनी अपनी बातें कही और निर्देश पीडीएस डीलर्स को दिए। आरपी भारत के लिए मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। चंदवारा प्रखंड मुख्यालय स्थित सांस्कृतिक भवन में कृषि काला कानून, कोडरमा जिला में बढ़ रहे अपराध के विरोध में शनिवार को भाजपा अंचल कमेटी की बैठक पुरुषोत्तम यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विगत कार्यक्रमों के कार्य रिपोर्ट अंचल मंत्री सच्चिदानंद पांडे ने पेश किया, जो सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जीप सदस्य महादेव राम ने कहा किसान आंदोलन महापंचायत के जरिए पूरे देश में फैल रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में भी मोदी जी अड़े थे और मोदी जी को झुकना पड़ा। इसी तरह किसान आंदोलन में भी मोदी जी को झुकना होगा, तीनों जहरीली कानून वापस लेना होगा। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सीपीआई जिला मंत्री प्रकाश रिजक ने कहा कोडरमा जिला में अपराध बढ़ रहा है, पुलिस अपराधी का गठजोड़ मजबूत हो रहा है। झारखंड सरकार से पार्टी मांग करती है कोडरमा जिला में अपराध पर लगाम लगाई जाए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए पुरुषोत्तम यादव ने कहा जिस युवा को मोदी ने रोजगार देने का वादा किया था वही मोदी निजीकरण कर रहा है। वहीं बैठक को दशरथ पासवान, कैलाश रजक, विश्वनाथ यादव समेत दर्जन लोगों ने संबोधित कर 18 फरवरी को हीरोडीह में रेल चक्का जाम करने का निर्णय लिया। रिपोर्टर इंद्रदेव कुमार, राम कोडरमा। आज भाजपा अंचल कमेटी चंदवारा की बैठक प्रखंड परिसर में किया गया और कोरोना के कारण एक साल बैठक नहीं हो पाया और जिसके कारण प्रखंड के कर्मचारी, प्रखंड के पंचायत सेवक, प्रखंड के अफसर, अंचल के कर्मचारी, अंचल के अफसर बेलगाम हो गए हैं। काफी दिक्कत हो रही है, वो चाहे वह दाखिल खारिज के सवाल हो, चाहे ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने के सवाल हो। इसी तरह प्रखंड में सैकड़ों लोगों का रिमांड रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया है। इन सवालों को लेकर के हम लोग बैठक कर रहे हैं, गांव गांव जाएंगे और बैठक करके एक मजबूत आंदोलन प्रखंड में बहुत जल्दी हम लोग करेंगे और मांग करेंगे कि जिन गरीबों का आवास छूट गया, जिनका सेक डाटा में नाम है और उनका रिमांड रिपोर्ट गया है, वो रिपोर्ट वापस आवे और गरीबों का आवास मिले, दाखिल खारिज टाइम पर हो, ऑनलाइन जमीन टाइम पर हो। अगर इसमें गड़बड़ी हो रही तो इस सवाल को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। चंदवारा प्रखंड सीपीआई का बैठक हुआ जिसमें हम लोगों ने आज तय किया कि सर्वप्रथम पार्टी को इस प्रखंड में मजबूत करेंगे और दिल्ली में जो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और आह्वान जारी हुआ है देशव्यापी रेल चक्का जाम 18 फरवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और किसान संघर्ष मोर्चा कोडरमा जिला में हम लोग गठन किए हैं। किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कई एक आंदोलन किया है और किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कोडरमा जिला में 18 फरवरी को हीरोडी रेलवे स्टेशन में रेल चक्का जाम करेंगे, जिसकी तैयारी के लिए आज हम लोग बैठक किए हैं। हजारों की संख्या में हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे और मोदी जी जो काला कानून, तीन कृषि काला कानून लाए हैं उसको वापस लेना होगा, इसलिए हम लोग आज बैठक किए हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।